हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स घोंगा। संजय गुप्ता पेश करते हैं घोंगा। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन मनु, संपादक मनीष गुप्ता। हजारों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसमें मौजूद प्रत्येक दर्शक की आंख ट्रैक पर मौजूद उन धावकों पर लगी हुई थी, जिसमें से एक यहाँ होने वाली 1000 मीटर की दौड़ का विजेता बनने वाला था, और इस विजेता को मिलने वाला था भारत के उड़न पुरुष का खिताब और आगामी ओलंपिक में शामिल होने का सौभाग्य। इसलिए उस दौड़ को जीत लेने का ट्रैक पर मौजूद हर धावक का सपना था। लेकिन एक धावक ऐसा था जो अपना नहीं किसी और का सपना पूरा करने के लिए वहाँ मौजूद था, जिसका नाम था रफ्तार सिंह। वर्षों से पापा का सपना है कि मैं इस दौड़ को जीत कर उड़न सिख कहलाऊँगा, ओलंपिक में जाकर अपने देश का नाम सारी दुनिया में रोशन करूं। मुझे ये दौड़ जीत कर पापा के हर सपने को हर हाल में साकार करना है, जिसके सपनों को पूरा करने के लिए रफ्तार सिंह ट्रैक पर था। वह दर्शकों के बीच बैठा फूला नहीं समा रहा था। मेरा पुत्र ना पछली, एक भी दौड़ नहीं आ रही है, यह दौड़ भी वह नहीं आने वाला। देखियो ओ बंता, मेरा रफ्तार इस दौड़ को जीत कर अपने नाम को जरूर सार्थक करेगा, और करेगा मेरे उस सपने को पूरा, एक्सीडेंट में टाक टूट जाने की वजह से जिसे मैं पूरा नहीं कर पाया। अपने बेटे की होने वाली जीत पर बल्ली उछलता सरदार अवतार सिंह क्या जानता था कि उसके बेटे की हार की तैयारी की जा चुकी है। काम तो हो जाएगा ना, मैंने उसे ताकत की दवा के बहाने ऐसी दवा पिला दी है कि वह ज़िंदगी भर नहीं दौड़ पाएगा। इसलिए आप चिंता ना कीजिए गुजराल साहब, इस दौड़ का विजेता आपका बेटा दीपक ही बनेगा। दौड़ शुरू हुई, धावक दौड़े, और उन धावकों में सबसे आगे दौड़ रहा था अवतार सिंह। लेकिन वह ज़्यादा देर तक दौड़ता नहीं रह सका, लहरा कर ट्रैक पर ही गिर पड़ा। वह इसी के साथ अवतार सिंह का दिल उछलकर उसके हलक में अटका। पूरी शक्ति के साथ चीखा, वह रफ्तार की होया तैनू, खड़ा हो पत्थर, खड़ा हो। ओह, पिता की आवाज़ ने नई जान जरूर फूकी रफ्तार सिंह के शरीर में, लेकिन खड़ा होने के साथ ही गिर पड़ा। वह पापा रफ्तार, इसी चीख के साथ अवतार सिंह भी गिरा, और फिर कभी ना उठने के लिए। ओह, दिल पर लगे गहरे सदमे ने उसकी जान ले ली थी, और उसका पता रफ्तार को अस्पताल में चला। तुम्हारे पिताजी का स्टेडियम में ही देहांत हो गया था, और उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुमने दौड़ जीतने के लिए एस्टेरॉयड का सहारा न लिया होता तो तुम शायद वह दौड़ जीत जाते। ये झूठ है सर, मैंने दौड़ जीतने के लिए कोई प्रतिबंधित दवाई नहीं ली, मुझे तो डॉक्टर ने साधारण ताकत की दवा दी थी। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम्हारी इस मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तुमने एस्टेरॉयड का प्रयोग किया, और उसके साथ ही तुम्हारे शरीर में फाइलेरिया का जीवाणु भी प्रविष्ट कराया गया, जिसने तुम्हें कभी भी दौड़ने लायक नहीं छोड़ा। तुमने फाइलेरिया यानी हाथी पाँव नामक बीमारी हो गई है रफ्तार। नहीं, अब तुम चीते की रफ्तार से दौड़ोगे नहीं, बल्कि कैचू की रफ्तार से रेंगोगे। हाथी की तरह मोटे हो चुके अपने पांव को देखकर अस्पताल की दरों दीवारों को हिला देने वाली चीख निकली रफ्तार के मुंह से। पिता की मौत और भयंकर बीमारी के दुख के साथ साथ जमाने भर के ताने भी मिले उसे। रफ्तार से भागने वाला आज घोंगे की तरह रेंग रहा है। ओए बेशर्मा, हंते अपना नाम रफ्तार तो बदल के घोंगा रख ले। पागल सा हो गया रफ्तार, जमाने के लिए नफरत उबलने लगी उसकी आंखों में। इस दुनिया ने मेरे पापा के साथ साथ मेरी रफ्तार भी छीन ली, मुझे घोंगे की तरह रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। मैं इस दुनिया से रफ्तार नाम की चीज़ ही मिटा दूंगा, सभी मेरी तरह रेंगेंगे। रफ्तार द्वारा फेंके गए उस ड्रम में भरी कीले सड़क पर बिखर गई, और वहां से गुजरते वाहन चालक वाहनों की रफ्तार रोकने के लिए मजबूर हो गए। भटाक पड़ा, स्टॉप, तुरंत ही ट्रैफिक जैम हो गया, जिसे देखकर वहशी ठहाका लगा उठा। वह कोई नहीं दौड़ेगा, कोई तेज नहीं चलेगा, सभी घोंगे की चाल से चलेंगे। रफ्तार से ये क्या कर रहे हो? रफ्तार नहीं घोंगा बोल मुझे घोंगा। रफ्तार अपनी रफ्तार के साथ ही खत्म हो गया। ठाक, तेरा राम जो भी है, लेकिन तू पागल जरूर है, और तेरे जैसे पागल सड़क पर घूमते नहीं। ता पागल खाने में सलाखों के पीछे बंद अच्छे लगते हैं। इंस्पेक्टर विनय ने उसके हथकड़ी डाली और पागल खाने ले जाकर ही छोड़ा। तू जिसे रोकने निकला था वह रफ्तार कभी नहीं रुकती। हाँ, उसके चक्कर में तेरी जिंदगी इस पागल खाने में आकर जरूर रुक गई है। सही कहा था इंस्पेक्टर विनय ने, तेजी से भागती इस दुनिया की रफ्तार कभी नहीं रुकती, और ना कभी रुकता है समय, क्योंकि तेज और तेज भागने की होड़ लगी हुई है। अटेंशन प्लीज, भारत की सबसे ज्यादा तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन सुपर शताब्दी एक्सप्रेस अपनी प्रथम सफल यात्रा के बाद रेल मंत्री महोदय को लेकर ठीक 10 मिनट बाद यहाँ पहुंचने वाली है। 10 मिनट में वहाँ पहुँचने वाली भारत की सबसे तेज गति की रेलगाड़ी और रेल मंत्री के स्वागत के लिए वहाँ खड़े लोग अपने अपने हाथों में तमे फूलों के हारों को संभालने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वह ट्रेन 10 मिनट क्या 10 दिन भी वहाँ नहीं पहुँचने वाली थी।
क्योंकि अब वह 1 मिनट में 10 किलोमीटर की नहीं बल्कि उस गति से चल रही थी जो संसार के सबसे कम गति से चलने वाले प्राणी घोंगा की गति थी। और ऐसा हुआ था उसकी वजह से जो अपने आप को कहता था घोंगा। सुपर फास्ट ट्रेन को मैंने सुपर स्लो ट्रेन बना दिया, और जब सबको इसका कारण पता लगेगा तो सभी सिर धुनकर रह जाएंगे। सचमुच आखिर हुआ क्या है? पता नहीं कैसे पूरा मैकेनिज्म फैक्ट्री वाली मैग्नेट में बदल गया है, सभी पुर्जे एकदम जाम हो गए, और ऐसा कैसे हुआ ये पता नहीं। कारण सभी को समझ से बाहर था, लेकिन ज़्यादा देर समझ से बाहर रहने वाला नहीं था क्योंकि इंस्पेक्टर बिना उस रहस्य को जानने के लिए रवाना होने की ठान चुका था। ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी आ जाने के कारण उसकी गति कम हो गई है, ट्रेन शीघ्र यहाँ पहुँच जाएगी, कृपया शांति बनाए रखें। आज ही रवाना हुई एक सुपर फास्ट ट्रेन के मैकेनिज्म में आखिर ऐसी क्या खराबी आ गई कि वो घोंगे की तरह रेंगने लगी? मुझे इसमें कोई गड़बड़ दिखती है, इसलिए मुझे उसे देखने के लिए ट्रेन तक पहुंचना होगा। परमाणु बनकर तेजी से वहां से लहराया परमाणु कुछ ही क्षणों में ट्रेन तक जा पहुंचा। ओ, ट्रेन तो पटरियों पर एकदम जाम खड़ी है, सारा मैकेनिज्म शक्तिशाली मैग्नेट की वजह से जाम हो गया, मगर कैसे? मुझे इसका कारण खोजना है। कारण उसे जल्दी दिखाई दिया, वह पटरियों से बॉक्स कैसा चिपका हुआ है। ओ, इससे तो मेगा इलेक्ट्रो मैग्नेट तरंगें निकलकर पटरियों में प्रवाहित हो रही हैं, इसी की वजह से ट्रेन जाम हुई है, लेकिन फिर भी ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी। अगले ही पल उस आश्चर्यजनक पुरुष ने दिखाया वह आश्चर्यजनक कमाल। परमाणु की हरकत से जो एक बार रेंगी ट्रेन तो फिर ना रुकी, ट्रेन को द्रुत गति से भगाकर परमाणु से लेकर स्टेशन तक पहुंचा। शुक्र है बाकी मैकेनिज्म की तरह इसके पहिए मैग्नेट से जाम नहीं हुए, और फिर अपनी मंजिल की खोज में उड़ चला। वह बॉक्स किसने पटरियों पर रखा, वह कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, यह मैं जानकर ही दम लूंगा। परमाणु जिसकी खोज में निकल चुका था वह जल्दी उससे मिलने वाला था, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर नहीं था वह। अंधाधुंध गति से भागने वाले घोंगा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि तेज गति से चलने वाली हर चीज़ से नफरत है मुझे। दिल्ली पुलिस के द्वारा पोलियोग्रस्त बच्चों की सहायता के लिए मैराथन, फिर चाहे वह विकास की दौड़ हो या मैराथन की दौड़, घोंगा की आंखों में नजर आती नफरत से साफ प्रतीत हो चुका था कि वह इस मैराथन दौड़ को रोकने की ठान चुका था। धनुष सर जी ने आज तक कोई दौड़ नहीं आ रही, विनय सर जी आज भी नहीं आ रहेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा आप इस मैराथन में भाग ही ना लें। दौड़ शुरू होने दो, कौन हारता है और कौन जीता है अपने आप पता चल जाएगा। तू तो हरगिज नहीं जीत पाएगा विनय के बच्चे, क्योंकि मैंने तेरे जूतों के सोल को एकदम कमज़ोर बना दिया है, थोड़ी देर में वो जूते से अलग हो जाएगा और फिर तुझे रुकना ही पड़ेगा। थाए रिवॉल्वर के धमाके के साथ दौड़ शुरू हो गई, और इसी के साथ शुरू हो गई दौड़ने वालों की मुसीबत है। हाय मेरा पैर, ओह रास्ते में पड़ी नुकीली कीलों ने उन धावकों को घायल कर दिया। कीलों से घायल हुए धावकों को रुकना पड़ा, लेकिन दौड़ ना रुकी, दौड़ने वाले अभी भी दौड़ रहे थे, लेकिन क्या मालूम था उन्हें कि किसी ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी की हुई थी। ओह सड़क के बीचों बीच भारी पेड़ किसने गिरा रखा है, अपने वश का नहीं है इस पेड़ को फांदना। कई इस मुसीबत को भी पार कर गए, लेकिन उसमें से अधिकतरों को रुकना ही पड़ा। ओह सड़क पर पिघला तारकोल फैला हुआ है, इस तारकोल से बुरी तरह चिपक कर रह गए हमारे पांव, अपने आप को इस तारकोल से छुड़ाने की कोशिश करो। सड़क के बीचों बीच दौड़ने वाले सभी धावक तारकोल में फंस गए, जबकि साइड से गुजरने वालों की दौड़ अभी भी जारी थी। अच्छा हुआ अन्य धावकों के साथ विनय भी तारकोल में फंस गया, उसी का डर था मुझे, इन्हें तो मैं चुटकियों में हरा दूंगा। इधर खुद को तारकोल से छुड़ाने का प्रयास करते विनय का माथा ठनक चुका था। दौड़ के रास्ते में आने वाली इतनी अड़चनें संयोग नहीं हो सकती, यह जरूर किसी की सोची समझी चाल है, लेकिन वह है कौन और उसने ऐसा क्यों किया, यह मुझे देखना होगा, और ऐसा तब होगा जब मैं अपने आप को इस तारकोल से छुड़ा पाऊंगा। विनय को खुद को छुड़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ओह जूतों के सोल उखड़ गए, लेकिन ये सोल इतने कमज़ोर कैसे हो गए। चार अपने भटकते दिमाग को विनय ने तुरंत संभाला, जूतों के सोल के बारे में मुझे बाद में सोचना है, पहले मुझे ये देखना है कि कहीं मेरे पैर दोबारा तारकोल में न चिपक जाए, इसलिए मुझे सड़क की साइड में जंप मारनी होगी। तारकोल से छूटने के बाद एक पल भी वहाँ नहीं रुका रहा विनय। अगर मेरा सोचना सही है तो दौड़ जारी रखने वाले धावकों के सामने कोई ऐसी मुसीबत भी आ सकती है जो दौड़ के साथ साथ उनकी सांसें भी रोक सकती है, मुझे उन्हें बचाना होगा। विनय का सोचना एकदम ठीक था, वहाँ उनके लिए भयानक मुसीबत खड़ी करने के लिए तैयार खड़ा था घोंगा। अब की बार ऐसा इंतज़ाम करूँगा इनका कि यह दौड़ यहीं समाप्त हो जाए। फिर पलट घोंगा और उसके हाथ में थमी गन से किरणें निकलकर सड़क पर भागी जा रही एम्बेसडर कार से टकराएंगे, एम्बेसडर वहीं की वहीं जाम हो गई। तेज गति सड़क पर अचानक घटे उस हादसे ने हाहाकार मचा दिया, एक के बाद एक कारें उस एम्बेसडर से टकराई, ठाक तुम ठाक, और जिन्हें बचने का थोड़ा वक्त मिला वे तेज ब्रेक लगाने के कारण अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग की तरफ भागी। ठाक
जबरदस्त गति का यह नुकसान भी है कि मजबूत रेलिंग उस नाजुक कार के टकराने से भी टूट गई। नीचे दौड़ते उन धावकों पर अब वह नाजुक कार मौत बनकर झपट पड़ी थी। कार और धावकों के बीच अब केवल थी हवा, और हवा चाहकर भी उस यमदूत को अपने हाथों में नहीं थाम सकती थी। लेकिन उसी हवा पर सवार होकर आया वह पवन दूत परमाणु के मजबूत हाथ ने वह कार संभाल ली। कार को सुरक्षित जमीन पर उतार दिया उसने, और फिर वह वापस उड़ चला। थैंक यू परमाणु, अब उसको दिखाई दे रहा था उस भयंकर दुर्घटना का जिम्मेदार, जबकि घोंगा की आगे क्रोध से जलती चली गई। सारी दुनिया को अपनी तरह रेंगाने का जो सपना मैं लेकर चला हूँ, तूने बीच में आकर उसे तोड़ने की कोशिश किया। परमाणु, तू घोंगा के हाथों नहीं बचेगा। घोंगा रास्ते में मुसीबत खड़ी करने का जिम्मेदार है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। परमाणु तेजी से लहराया, सपना अच्छा है तेरा, लेकिन ऐसे सपने देखने के लिए सोना बहुत ज़रूरी होता है। फटाक, ये तो वही रफ्तार सिंह है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले पागलखाने में भर्ती करवाया था। लेकिन इसे यह हाई पावर मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत कहाँ से मिली, जिसके बलबूते पर यह सारी दुनिया को रेंगने के लिए मजबूर करने का सपना देख रहा है। परमाणु के तेज वारों ने घोंगा को निढाल कर डाला। पागलखाने से तू कैसे निकला ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार तुझे पागलखाने पहुंचाकर मैं ये ख्याल रखूंगा जरूर कि तेरी उम्र वहीं पूरी हो। घोंगा की हालत देखकर बेफिक्र उत्साह हो गया था परमाणु, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। था मेरा यह हाथी पाव कभी मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये मेरे लिए वरदान बन गया है, क्योंकि मेरे जिस भी दुश्मन के थोबड़े पर यह पड़ता है उसे दिन में तारे दिखा देता है। फटाक, परमाणु पर व्यवहार करके घोंगा ने अपनी वगन संभाल ली। उफ, परमाणु सुना है तो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला इंसान है, लेकिन आज से ये सिर्फ कहने भर की बात रह जाएगी, क्योंकि आज से तू दुनिया का सबसे धीरे उड़ने वाला आदमी कहलाया जाएगा, क्योंकि घोंगा की गन से ही निकलेगी वे मैग्नेटिक तरंगें जो तेरी बेल्ट के मैकेनिज्म को जाम करके रख देंगी। अगर सही समय पर ना बचता तो वह अपने कहे को पूरा कर दिखाता। बेहद तेजी से लहराकर उन तरंगों से बचा तो परमाणु, लेकिन बचा नहीं रह सका। ओह, चलने में धीमा होने से सभी मुझे बाकी कामों में भी धीमा समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर के शरीर में भरा हुआ है ऐसा फुर्ती का तूफान जिसका कहर तेरे जैसों के विनाश का कारण बन सकता है। परमाणु के शरीर से वे मैग्नेटिक तरंगें टकराईं, इसी के साथ परमाणु की बेल्ट का मैकेनिज्म जाम होता चला गया, और ओ, एक पल पहले हवा में परवाज करने वाला परमाणु परकटे पक्षी की तरह ऊपर से लहराया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। उफ, शुक्र है मैं ज्यादा ऊपर नहीं उड़ रहा था, नहीं तो शरीर की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचती। लेकिन गिरने के साथ ही वह फुर्ती से खड़ा हुआ। परमाणु बेल्ट का मोहताज नहीं है, इसलिए बेल्ट ना भी हो तो भी तुम जैसों पर भारी पड़ता है परमाणु। परमाणु के वार ने घोंगा को पुल से नीचे उछाल फेंका। ओह, गुस्से में मैंने उस पर इतना तेज वार कर दिया कि वो पुल से नीचे जा गिरा। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से काफ़ी चोट आएगी उसे। परमाणु जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। खरोंच भी नहीं लगी घोंगा को इतनी ऊंचाई से गिरकर। जैसे घोंगा का भारी मजबूत खोल उसकी रक्षा करता है, ठीक वैसे ही मेरे दोनों हाथी पांव मेरी रक्षा करते हैं। ये मुझे हर मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन ये पांव तो जब परमाणु के शिकंजे में फंसने से नहीं बचा पाएंगे। घोंगा को पकड़ने के लिए परमाणु ने पुल से नीचे छलांग लगा दी। तुरंत गति से वहां से गुजरी उस गाड़ी से अपने मैग्नेट की सहायता से चिपक कर घोंगा को पकड़ने का ख्याल दिल से निकाल दे परमाणु, और ये याद रख कि हम जल्दी फिर मिलेंगे, और ये वादा है कि उस दिन घोंगा तुझे मौत से मिलाकर रोड़ेगा। अगर घोंगा ने मेरी बेल्ट खराब न कर दी होती तो मैं उड़कर उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन अब मैं उसका पीछा करके उसे रोकने में असमर्थ हूँ। देखते ही देखते घोंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब परमाणु मार रुक कर क्या करता। घोंगा को कमज़ोर समझकर मैंने जो गलती की है उसका खामियाजा मैं बेल्ट को ख़राब करवा कर भुगत चुका हूँ। अब मुझे तुरंत ही प्रोफेसर के पास पहुँचना चाहिए ताकि मैं अपनी बेल्ट को ठीक करा सकूँ और घोंगा से होने वाले टकराव की तैयारी कर सकूँ, लेकिन उससे पहले मुझे विनय बनकर वापस वहीं पहुँचना है जहाँ से मैराथन दौड़ शुरू हुई थी। विनय वापस लौटा तो उसे जीत का जश्न मनता दिखाई दिया। आओ विनय सर जी, आप भी धनुष सर की मैराथन जीत के इस जश्न में शामिल हो जाओ जिसे सर ने अपनी हिम्मत और ताकत के बल पर जीता। मैं जानता हूँ किसके बल पर यह मैराथन जीत पाया धनुष। जल्दी विनय प्रोफेसर के सामने था। तुम्हारी बेल्ट में लगे लोहे के सभी सूक्ष्म यंत्र मैग्नेट में बदल चुके हैं, परंतु परमाणु अब ये बेल्ट तुम्हारे किसी काम की नहीं रही, तुम्हें दूसरी बेल्ट इस्तेमाल करनी होगी। ओह, सचमुच बहुत ही शक्तिशाली था उसके हाथ में थमा बैगा इलेक्ट्रोमैग्नेट तरंग फेंकने वाला यंत्र। ठीक कहा, लेकिन मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया कि घोंगा के पास वो तरंगों वाली गन कहाँ से आई, क्योंकि हिंदुस्तान में इन तरंगों का इस्तेमाल और तोड़ एक ही आदमी जानता है, और वह आदमी इन तरंगों का आविष्कारक प्रोफेसर विकल बेदादे, जो काफ़ी समय पहले अपने मानसिक संतुलन खो बैठा था। निश्चय ही वह अभी भी पागलखाने में ही होगा। अरे, ये सब सुनकर तुम कहाँ चल पड़े विनय?
मुझे घोंगा की मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट तोड़ का तोड़ ढूंढना है प्रोफेसर, और मैं जानता हूँ वो मुझे कहाँ मिलेगा। दिल्ली का शाहदरा स्थित गुरु तेग बहादुर मानसिक चिकित्सालय, जहाँ उन मरीजों को दूर दूर से लाकर इलाज के लिए भर्ती किया जाता है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा ही एक मरीज आज भी इस चिकित्सालय में भर्ती हुआ है। हा, पागल है, सारी दुनिया पागल है। सही कहा, यही बात मैं वर्षों से कहता आ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी कोई सुनता ही नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरी तरह अच्छे इंसान हो? जवाब देने के लिए वह छत से पके आम की तरह नीचे टपका। मेरा नाम प्रोफेसर बेदादे, मैं तुमसे भी अच्छा इंसान हूँ, यानी इंसान नंबर वन। इस पागल दुनिया से बचने के लिए यहाँ इस महल में रहता हूँ। अच्छा, ये तो बताओ तुम उस ऊपर छत पर कैसे पहुँच जाते हो और नीचे कैसे आ जाते हो? ये बड़ी सीक्रेट बात है, किसी पागल को मैं इसे कभी नहीं बताता, लेकिन तुम मेरी तरह अच्छे इंसान हो इसे मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी पीठ पर तुम जो लोहे की प्लेट बंदी देख रहे हो, ये असल में मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे मैं जब चाहे चार्ज करके छत से चिपका चिपकता हूँ। लोहे के उन सरियों की वजह से जिनका इस्तेमाल छत बनाने के लिए लेंटर में किया गया है। जब मेरा दिल ऊपर रहकर भर जाता है तो मैं एंटी मैग्नेट का इस्तेमाल करके नीचे यहाँ अपने सिंहासन पर आ बैठता हूँ। ओ, यानी तुम मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट को ख़त्म करने का तरीका जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन किसी भी पागल को कुछ नहीं सिखाता। तुम सीखोगे? तुम मुझे सिखाओगे? क्यों नहीं, आओ मेरे पास। फिर प्रोफेसर बेदादे धीरे धीरे उस पागल को सब कुछ बताता चला गया, जो कुछ ही देर बाद प्रोफेसर कमल कुमार की लैब में नजर आ रहा था। तुमने कमाल कर दिया अभिनय, पागल का वेश धरकर तुमने ना सिर्फ पागल खाने पहुंचे बल्कि प्रोफेसर बेदादे से एंटी मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मूला भी ले आए। लेकिन मुझे इस तरह फॉर्मूला तुम इस तरह फॉर्मूला ले आओगे, ये बात तुम्हें सूझी कैसे? आपने जब मुझे बताया कि मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार प्रोफेसर हादसे का शिकार होकर पागल खाने में मौजूद है तो मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि कुछ दिन पहले घोंगा को मैं खुद उस पागल खाने में छोड़कर आया था। तब मुझे सूझा कि हो ना हो घोंगा को मेगा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट बनाने का तरीका प्रोफेसर बेदादे ने ही बताया होगा। बस यही सोचकर मैं पागल का वेश धरकर पागल खाने जा पहुंचा और उससे एंटी मैग्नेट वाला फॉर्मूला लाने में सफल हुआ। वेल डन विनय, इस फॉर्मूले की वजह से अब तुम जल्द ही गति के दुश्मन उस अपराध को रोकने में सफल हो जाओगे जिसका नाम है घोंगा। देश की 50वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाश में द्रुत गति से उड़ते और करतब दिखाते इन हेलीकॉप्टर को देखकर यहाँ मौजूद गति को प्यार करने वाले खूब मजा ले रहे हैं। यही मजा इनके लिए सजा बन जाएगा, क्योंकि हवा में मौजूद वे इन हेलीकॉप्टर अब उड़ेंगे नहीं बल्कि मेरी मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों में फंसकर नीचे गिरेंगे। घोंगा के हाथ में थमी गन से तरंगे निकली और ऊपर मौजूद तीनों हेलीकॉप्टर को अपनी चपेट में लेती चली गई। द्रुत गति से चलते हेलीकॉप्टर के पंखे एक झटके से रुक गए। इसी के साथ घोंगा के हलक से उबल पड़ा वहशी ठाका। यहाँ मौजूद भीड़ पर गिरकर यह हेलीकॉप्टर सारी दुनिया को घोंगे के शहर का कहर का नमूना दिखा देगा। अपनी शक्ति का एक विनाशकारी रूप देखने को तरसती घोंगा की आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। ऊपर मौजूद इन हेलीकॉप्टर को देखकर जो पंखे जाम होने के बाद भी अपनी गति से हवा में उड़ते जा रहे थे, और ऐसा हो रहा था हेलीकॉप्टरों से बंधी उन परमाणु रस्सियों की वजह से जो उस वंडरमैन परमाणु के हाथ में थमी थी। हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतारकर तुरंत ही वापस लौटा परमाणु। तेरे कहर के दिन लद गए घोंगा, क्योंकि जिन मैग्नेटिक तरंगों के बल पर तू शेर बन रहा है मैं उसका तोड़ लेकर आ पहुँचाऊँ। ये एंटी मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाली गन तुमने कैसे बनाई? उसी की वजह से जिसकी वजह से तुमने अपनी गन बनाई है। तुम समझ ही गए होगे मैं पागल खाने में बंद प्रोफेसर बेदादी की बात कर रहा हूँ। ओह, तो तुम उस तक पहुँच गए? कोई बात नहीं, फिर भी तुम घोगा को रोक नहीं पाओगे। तेरी मैग्नेटिक तरंगों का तोड़ मेरे पास है घोगा, इसलिए अब रेंगना भी भूल जा और जेल में चलकर आराम कर। था घोगा को जेल पहुँचाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। घोंगा की गन से निकलकर वे तरंगे उस बड़े लोहे के दरवाजे से टकराई। इसी के साथ पूरा दरवाजा एक बड़ी मैग्नेट में बदलता चला गया, टन टन टना, जिसने आसपास मौजूद लोहे की वस्तुओं को तो अपनी तरफ खींचाई, साथ ही परमाणु के हाथ में थमी एंटी मेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन को भी खींच लिया। खटाक उफ, लोहे से बनी इसी गन की बदौलत तू घोंगा को जेल भेजना चाहता था ना? तू तो मुझे वहां भेज ना सका, लेकिन मैं तुझे मौत के पास जरूर भेजूंगा, क्योंकि मैं इस बड़ी स्टेशन वैगन को चलती फिरती मैग्नेट में बदल रहा हूँ, वो भी नेगेटिव शक्ति के साथ। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस बड़े दरवाजे में पॉजिटिव मैग्नेटिक तरंगें मौजूद है। दो विपरीत पोल वाले चुंबक आपस में ज़रूर मिलते हैं, इसलिए शक्तिशाली चुंबक बनी है। स्टेशन वैगन भी दरवाजे की तरफ दौड़ रही है, और चूंकि तो इन दोनों के बीच में मौजूद है तो तू ऐसे पिसेगा जैसे सैंडविच के अंदर आलू पिसता है। घोंगा ठीक कह रहा है, दोनों मैग्नेटों के मिलने से मैं पिसकर रह जाऊंगा, लेकिन अंतिम समय तक बचने का प्रयास करूंगा। उस मौत को देखकर आश्चर्यचकित था परमाणु, लेकिन असहाय नहीं, क्योंकि मौत को मात करने के लिए जारी थी उसकी वह कोशिश जो आखिरकार रंग ले ही आई।
उसकी उंगली उस स्विच को दबाने में सफल हो ही गई जो उसे पलक झपकते ट्रांसमिट कर देता है। यही वह चढ़ता जब दो शक्तिशाली मैग्नेट आपस में मिले, लेकिन अब परमाणु को उनसे कोई नुकसान नहीं होना था क्योंकि अब वह वहां नहीं फड़ा घोंगा के पीछे था। दुनिया को रोकने को ख्वाब लेकर तेरे जैसे जितने भी आए सभी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में जाकर रुकी। तू भी बहुत रेंग लिया घोगा, अब चल काला पानी जेल में आराम करने। समाप्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स लिम्पेट बॉम्ब। तब तक के लिए धन्यवाद।